नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक में से अनुच्छेद लेखन लिखना सीखते हैं। अनुच्छेद लेखन एक ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत हम किसी एक विषय पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करते हैं। अनुच्छेद में विषय से संबंधित सभी प्रमुख बातों को संक्षेप में समाविष्ट किया जाता है, अर्थात आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है, उसे अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद अपने आप में एक पूर्ण रचना होती है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी प्राय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें किसी विषय के किसी एक पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, अर्थात कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करना। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन, अब हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप से, कभी हाँ, हूँ, न, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ हिलाकर। अनुच्छेद लिखते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम उन बातों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित कोई सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। आइए अब हम वायु प्रदूषण एक अनुच्छेद का उदाहरण देखें और इसे लिखना सीखें। सबसे पहले हमें परीक्षा में ये संकेत बिंदु दिए होते हैं, उन्हीं को हमने वर्णन करना होता है। वायु का महत्व, वायु प्रदूषण के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राणवायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवित रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोटक, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती और जीवों को हानि पहुंचाती हैं। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्यूमिनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो एक भयानक रोग है। वायु के प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अब वायु प्रदूषण के बारे में हमने अपने कम से कम विचारों में बात को पूरी तरह से स्पष्ट भी किया।